रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th का लॉस्ट स्प्रिंग का फुल समरी फ्लेमिंगो बुक से देखेंगे। सबसे पहले इस कहानी में क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, इस कहानी में गरीबी को दिखाया गया है और उन बच्चों को दिखाया गया है जो कि अनप्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं। ये कहानी दो शहरों पे बेस्ड है, सीमापुरी और फिरोजाबाद। ये जो स्टोरी है वो उन बच्चों के जीवन के बारे में बता रही है जिसका प्रोफेशन रैग पिकिंग का होता है और बैंगल मेकिंग का होता है। इस कहानी में आगे उन बच्चों के इनोसेंट ड्रीम की बात की जा रही है कि किस तरीके से उसे फुलफिल करने के लिए वो सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका है थीम ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें वीकर सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनके सपनों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो फुलफिल करना चाहते हैं, बट दे फॉरगेट अबाउट फुलफिलिंग दोज। इस कहानी में जो ऑथर हैं वो रीडर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे भी स्मॉल टाउन्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि रैग पिकिंग का काम और बैंगल मेकिंग का काम करती हैं और ये बैंगल मेकिंग और रैग पिकिंग का काम करके अपना जीविका चलाते हैं। इस कहानी में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से छोटे बच्चों से उन लोगों का बचपना छिन जाता है, वो छोटे से एज में वो लोग अपने माँ बाप के साथ अलग अलग प्रोफेशन में इंडल्ज हो जाते हैं। इस कहानी में एक बच्चे की बात की गई है जो कि बहुत ब्रेव होता है और उसके अंदर गट्स होता है कि वो अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को साकार कर सके और वो ड्रीम करता है। इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं, साहब और मुकेश। जो साहब है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जो साहब रहता है वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि सीमापुरी में रहता है। सीमापुरी एक ऐसा लोकेलिटी है जहाँ पे रिफ्यूजी रहा करते हैं जो कि बांग्लादेश से आए होते हैं। वो इतना केयर फ्री रहता है साहब कि उसको लगता है कि रैग पिकिंग का काम करने से उसको आजादी मिलती है। चूंकि साहब जो रहता है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग रहता है और रिस्पॉन्सिबल भी रहता है, चूंकि उसको कभी भी किसी के अंडर में काम करने का इच्छा नहीं रहता था कि कोई उसे कंट्रोल करे। बावजूद उसके उस चीज को वो साइड रख के वो टी शॉप पे काम करने लगा। साहब जो है वो बहुत जोश और जुनून के साथ ऑथर से बताता है कि वो स्कूल जाना चाहता है, लेकिन तब जब स्कूल उसके पड़ोस में हो तो। वो इतना इनोसेंट बच्चा है कि वो ऑथर की बातों पे भरोसा कर लेता है जब ऑथर कहती हैं कि वो स्कूल खोलेंगी और क्या उसमें वो पढ़ने आना चाहेगा। उसके मन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का जुनून रहता है और हमेशा वो अलग अलग चीज ट्राई किया करता है और वो भी नया नया। उसके मन के अंदर हमेशा से एक बात रहती है कि उसे टेनिस खेलना है, मतलब उसे टेनिस पसंद होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुकेश का कैरेक्टर कि मुकेश किस तरीके का बच्चा है। मुकेश एक ब्रेव किड है जिसके अंदर गट्स है ड्रीम करने का और ये चूंकि अपने उस कम्युनिटी और बैकग्राउंड से एकदम अलग है। अलग कहने का मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सबके साथ रहता है लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन होता है अपने गोल को, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। वो प्लान करता है भले ही उसे स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, वो अपने ड्रीम को क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ये इस तरीके का व्यक्तित्व वाला बच्चा रहता है कि वो सेटिस्फाइड रहता है जो भी उसके अंदर है। और ये चीज एक स्टेटमेंट उसका जो रहता है उससे क्लियर हो जाता है जब वो कहता है कि जिस घर में वो रह रहा है वो घर उसका फिर से नव निर्माण हो रहा है। वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रहता है और प्रैक्टिकल भी रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता क्योंकि एरोप्लेन उड़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होता है और बिना एजुकेशन के प्लेन उड़ाना मुश्किल है। आइए हम इस कहानी का समरी और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो ऑथर है जब वो मिलती है छोटे से बच्चे साहब से जो कि सीमापुरी में रह रहा होता है, जो कि एक रिफ्यूजियो का लोकालिटी वाला जगह रहता है जहाँ पे ढाका से लोग चल के आए होते हैं, और वो आने का उन लोगों का कारण ये होता है कि वहां पे कुछ दैविक आपदाएं हो गई होती हैं जिसके वजह से उनका घर खेत हर एक चीज चला गया होता है और यहाँ पे वो आए होते हैं अपने डेली ब्रेड एंड बटर के लिए। जो सीमापुरी में रहने वाले कम्युनिटी है उन लोगों का एक प्रोफेशन रहता है और वो अपने प्रोफेशन में इंडल्ज रहते हैं, वो प्रोफेशन रैग पिकिंग का होता है। दूसरा पॉइंट है, साहब कहता है जो ये रैग पिकिंग का काम है उन लोग के लिए डेली सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब डेली काम करेंगे और डेली पैसा कमाएंगे। कैसा काम, रैग पिकिंग का काम। कहते हैं कि कभी कभी उन्हें गार्बेज में से 10 रुपया का नोट भी मिल जाता है और 10 रुपया का नोट मिल जाता है इसलिए उस गार्बेज को वो लोग गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने फ्रेंड के साथ साहब सीमापुरी के सड़कों पे और जो आसपास के जो जगह होते हैं वहां पे खाली पैर घूमता रहता है और घूमने का कारण होता है कि वो गोल्ड के सर्च में रहता है और वो गोल्ड जो बैग रहता है उसमें रहता है और वो बैग में जो गोल्ड रहता है वो और कुछ नहीं बल्कि पैसा रहता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो लोग खाली पैर घूम रहे होते हैं और उनसे पूछने पे कि वो लोग क्यों नहीं स्लीपर पहने, तो उन्होंने बताया कि उनके पास चप्पल है ही नहीं और कुछ नहीं, ये भी तक बताया कि आज तक जीवन में उन्होंने कभी भी शूज क्या जूता क्या कभी ऐसा कुछ चीज देखा ही नहीं है। ऑथर यहाँ पे बच्चों के कंडीशन के बारे में बता रहा है कि उन बच्चों की कंडीशन बद से बदतर है। एक उसी में बच्चा रहता है जो कि दो अलग अलग टाइप के
शूज पहना रहता है, उससे पूछने पे कि ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि उसे किसी ने दिया है। जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करती है सीमापुरी को इस चैप्टर में, और वो कहती हैं कि मिट्टी से बना हुआ और टीन से ढका हुआ जो घर है वहां पे, जहाँ पे सीवेज बहता है, ड्रेनेज है, या फिर रनिंग वाटर कह ले उसे, मतलब ऐसे गंदी जगह पे 10,000 रैग पिकर्स रहा करते हैं। सीमापुरी में रहने वाले एल्डर्स होते हैं, जो रैग पिकिंग होता है काम, वही एक उनके सर्वाइवल का जरिया होता है। दूसरे हाथ पे देखें जो बच्चे हैं वहां पे, वो जिस तरीके से जी रहे हैं, वो लोग फाइनली ऐसे ही करते हुए अपना बचपना भी खो देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, साहब को टेनिस खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि ये दूसरे सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो इसको टेनिस खेलने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन रात के समय जब कोई भी नहीं होता है, उस समय साहब टेनिस खेलता है, और उस समय वॉचमैन भी अलाउ कर देता है कुछ देर के लिए उसे। और एक स्टेंजा है, इस स्टेंजा से आप सभी को ये पता चल जाएगा कि आखिर में ऐसा क्यों होता था। क्योंकि जो वॉचमैन था वो उन्हीं लोगों की कम्युनिटी से बिलोंग करता था, और उसकी फीलिंग को वो समझता था, और इसलिए टेनिस कोर्ट पे कुछ समय के लिए उसे खेलने की अनुमति दे देता था। और उसके बाद साहब टी शॉप पे काम करने लगा, और कहता है कि वो 800 रुपये पर मंथ पाता है, और साथ ही साथ उसको वहां पे खाना भी मिल जाता है। उसको करना कुछ और नहीं होता है, वो मिल्क कैरी करता है जो कि भारी होता है, और मिल्क जिसमें कैरी करता है वो एक प्लास्टिक बैग होता है। वो ये भी कहता है कि वो खुद का मास्टर था, उस पर किसी का रूल नहीं चलता था जब वो रैग पिकिंग का काम करता था। दूसरी जो कहानी है वो फिरोजाबाद की है, एक ऐसा सिटी जिसमें जो बच्चे रहते हैं वो बैंगल मेकिंग के काम में इंडल्ज रहते हैं। मुकेश उसी शहर का बच्चा रहता है, और वो एक मोटर मैकेनिक बनने का सपना देखा होता है, और यही सपना उसको अपने कम्युनिटी से अलग बनाती है, क्योंकि वो कुछ करने के लिए ड्रीम किया होता है। जो फिरोजाबाद है वहां पे जो बच्चे रहते थे वो ग्लास की फैक्ट्री में काम करते थे, और वहां पे बैंगल्स बनाते थे, वहां पे चूड़ी बनाते थे जो कि डिफरेंट शेप और साइज का होता था। उन्हें ये नहीं पता होता था कि आखिर में वो लोग जो काम कर रहे हैं वो उन बच्चों के लिए ही इलीगल है, क्योंकि इतने यंग एज में काम कराना वाकई में दंडनीय अपराध है, और एक तरह से वो डेंजरस लोकेशन भी होता है, क्योंकि दिन में उन्हें जाना होता है, और दिन में कब, भोर में ही, अभी उजाला नहीं हुआ रहता है, और एक छोटा सा रूम रहता है उसी में उन लोगों को काम करना होता है, चूंकि एकदम अंधेरा रहता है, और फाइनली जब वहां से निकलते हैं, बड़े होते हैं, तब तक उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई होती है। ऑथर आगे डिस्क्राइब करते हैं एरिया और हाउस जहाँ पे मुकेश रहता था। जहाँ पे मुकेश रहता था वो एरिया ऐसा था जहाँ पे गार्बेजेस हुआ करते थे, क्रम्बलिंग वॉल्स, टूटे हुए दीवार, टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियां नहीं होती थी, और इतना क्राउडेड एरिया था जहाँ पे बहुत लोगों की फैमिली रहती थी। इंसान के साथ साथ वहां पे एनिमल भी रहा करते थे। इस तरीके का जो दृश्य दिखाया गया है उस एरिया से मुकेश बिलोंग करता था। लोहे का दरवाजा हुआ करता था, उस दरवाजे को वो अपने पैरों से मारता था और फिर उसको धक्का देके खोला करता था। जो ऑथर है वो बताती है कि वहां पे एक हाफ बिल्ट सैक रहता है, वहां पे वो इंटर करते हैं, अंदर जाते हैं। वो क्या देखते हैं वहां पे कि एक तरफ डेड ग्रास है, मतलब सूखी हुई घास, एक तरफ चूल्हा बना हुआ है लकड़ी वाला जिसमें लकड़ी डाल के जलाया जाता है, और ये भी देखते हैं कि एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ है जहाँ पे स्पिनेच लीव्स जिसके अंदर डाला गया हुआ है, पालक का पत्ता डाला गया है। उन्होंने ग्राउंड पे देखा तो उन्हें दिखाई देता है एक एल्युमिनियम प्लेट जहाँ पे अलग प्रकार की और सारी सब्जियां काट के रखी हुई होती है। और फिर इस कहानी में इंडियन कस्टम के बारे में बताया गया कि हर घर की क्या कंडीशन है डिस्पाइट ऑफ रेस क्लास कम्युनिटी। जब हम टेक्स्ट के अंदर का कुछ लाइन पढ़ेंगे जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी, उसकी शादी हो गई थी और उसे बहू का दर्जा मिल चुका था, और वहां पे उस घर में वो 3 लोगों का चार्ज ले चुकी थी। पहला चार्ज उसने लिया अपने हस्बैंड का, दूसरा मुकेश का, और तीसरा उसके फादर का। और ये और कुछ नहीं है, ये ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन है कि जब शादी होके नई नवेली दुल्हन आती है घर पे, तो कुछ दिनों बाद वो पूरे घर को संभालना शुरू कर देती है, खाना बनाना, रसोई करना, हर एक चीज। जैसे पर्दे में पहले औरतें रहा करती थी, उसी तरीके से ये जो लड़की है यहाँ पे, जो बहू बन के आई हुई है, वो दरवाजे के पीछे अपने चेहरे को छुपा के खड़ी है। और ये बहुत पहले से देखा जा रहा है कि जो डॉटर इन लॉ होती हैं, जो बहुएं होती हैं, वो अपने घर में जो मेल होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, उनके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती, घूंघट में ही रहती हैं। उसके बाद जो ऑथर हैं, टू डिफरेंट वर्ल्ड्स के बारे में बात करती है जिसके अंतर्गत उनकी फैमिली फंस जाया करती है, और वो होता है एक स्ट्रॉन्गर सोसाइटी दैट इज रिच पीपल, और दूसरा होता है पुअर जो कि गरीबी से जूझते रहते हैं। एक जाल गरीबी का, एक चीज खत्म नहीं हुआ तो दूसरा शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कंगाली में आटा गिला। वो लोग मिडिल मैन के चक्कर में फंस जाते हैं, साहूकार उन्हें फंसा देते हैं, पुलिस मैन भी उसे ही दबाते हैं, और पॉलिटिशियंस भी। जो गरीब होते हैं उनका भगवान के सिवा और उनके मेहनत के सिवा और कोई नहीं होता है, क्योंकि गरीबी एक ऐसा जाल है जो अमीर लोग होते हैं उनका शोषण करते हैं,
और इससे गरीब और भी लाचार और विवश हो जाया करते हैं। मुकेश से जब ऑथर पूछती हैं कि तुम एरोप्लेन उड़ाओगे, वो कहता है कि नहीं, और उसके चेहरे पे एक अलग तरीके का एक्सप्रेशन दिखता है। ये दिखाता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल रहता है अपने ड्रीम को लेके, क्योंकि उसे पता होता है, वो समझता है कि कार ड्राइव करना और एरोप्लेन उड़ाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसे पता होता है कि प्लेन उड़ाने के लिए अच्छे एजुकेशन की आवश्यकता है और बिना एजुकेशन के प्लेन नहीं उड़ाया जा सकता। और यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।